नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। होली पर खास पेशकश में आपका स्वागत है। दो साल बाद होली का त्योहार इस बार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना की कहर के चलते पिछले दो साल से बंदिशों के चलते इस त्योहार का रंग बिल्कुल फीका रहा। अब जबकि कोरोना से राहत है तो दो साल बाद एक बार फिर हर तरफ होली का रंग छाया हुआ है। बाजार भी रंग गुलाल से गुलजार है। रंग गुलाल पिचकारी जैसे सामानों के लिए बाजारों में भीड़ नजर आ रही है। जिधर देखिए उधर होली का खुमार ही दिखता है। होली को लेकर हम चर्चा करेंगे। हंसी खुशी का त्योहार है, लिहाजा हमारे साथ गेस्ट के रूप में कवि भी मौजूद रहेंगे जो अपनी रचनाओं की बौछार से होली की रफ्तार को धार देंगे। तो आइए आप भी हमारी इस खास पेशकश में शामिल हो जाइए। तो बता दें आपको, होली का त्योहार मनाया जा रहा है, हर जगह होली की धूम दिखाई दे रही है। तो जगह जगह से, देश भर से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, चाहे ब्रज की होली हो या फिर होली हो मध्य प्रदेश की, हर जगह की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और क्योंकि होली का जो त्योहार होता है वो होली से पहले ही मनाना शुरू कर देते हैं लोग, जगह जगह तरह तरह की होली खेली जाती है। होली ना सिर्फ रंगों से खेली जाती है बल्कि होली खेलने के भी कई तरीके होते हैं और सभी के यहाँ की एक अलग अलग परंपरा होती है और अपनी परंपराओं के और संस्कृति के अनुसार ही लोग ये होली खेलते हैं। होली के त्योहार पर तमाम लोग जो दुश्मन होते हैं वो भी दोस्त बन जाते हैं, ये कहा जाता है। कि देखिए होली की अगर कहानी की हम बात करें तो होली से एक कहानी जुड़ी हुई है और जिसका उद्देश्य यही है, यही दिखाया गया है कि बुराई पर अच्छाई की जीत किस तरीके से होती है। तो होली का जो त्योहार है हमें संदेश भी यही देता है कि आखिर बुराई का जो वक्त होता है वो बहुत कम होता है और अच्छाई की ही जीत होती है। इसलिए तमाम बुरी यादों को, तमाम बुरे अनुभवों को और अपनी दुश्मनियों को भुलाकर हमें अच्छाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए और सकारात्मक रहना चाहिए। और जब हम होली का दहन करते हैं तो उसमें उन तमाम बुरी चीजों को, बुरी भावनाओं को हम होली का दहन में उनका दहन भी कर देते हैं और अगले दिन उसी खुशी को मनाने के लिए हम रंग खेलते हैं। रंगों में सराबोर पूरा हर तरफ नजारा रहता है और इस दौरान तमाम तरह के रंग भी आप बाजारों में देख सकते हैं जो कि मिलते हैं। और रंग गुलाल, अबीर, इन्हीं सब चीजों से, इन्हीं सब रंगों से तमाम लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली का त्योहार मनाते हैं। हालांकि होली ना सिर्फ रंगों से मनाई जाती है बल्कि होली पर एक और परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और वो परंपरा ये है कि इस दौरान कई तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं, तरह तरह के गीत गाए जाते हैं और जो पकवान भी बनते हैं उसमें गुंजिया काफी फेमस है, तो इसकी तैयारी भी काफी दिनों से होने लगती है। तो होली के रंग इंडिया न्यूज के संग में जो हमारी चर्चा है उसकी शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोकुल सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कवि हैं, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर गोकुल जी। और डॉक्टर गणेश राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी कवि हैं, आपका स्वागत है गणेश इंडिया न्यूज पर। अनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वागत है अनीता जी आपका इंडिया न्यूज पर, ये भी कवित्री हैं। और इसके साथ ही मेघा राठी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ये भी कवित्री हैं, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। मेघा जी, सबसे पहले गोकुल जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए गोकुल सोनी जी, आपके तो नाम में ही गोकुल है और कहा जाता है कि पूरे देश में अगर होली कहीं मनाई जाती है सबसे अच्छी, यूं तो देखिए पूरे देश में होली की धूम देखी जाती है लेकिन कहा जाता है कि ब्रज की जो होली होती है वो अपने आप में ही बड़ी मनमोहिनी और मनभावनी होती है। वहां के गीतों की भी अगर बात करें तो लोग तरह तरह के गीत गाते हैं, लोकोक्तियां हैं बनी हुई होली पर। मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी किसी होली के गीत के साथ। आप पहले तो सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। इंडिया न्यूज के दर्शकों को, गोकुल सोनी मैं भोपाल से, आप सबको नमस्कार। और निश्चित है कि आज हम, आज जैसा कि आपको मालूम है, हम होली, फागुन, बसंत सभी को एक साथ आपके लिए ले आएंगे। और निश्चित है होली एक मस्ती का त्योहार है
और निश्चित है आप इसका आनंद तभी ले पाएंगे जब आप भी मस्ती के मूड में आ जाइए। वास्तव में होली, जैसा कि आपने बताया, अभी तरह तरह से होली होती है, बरसाने की होली होती है, लठमार होली होती है। अच्छा, होली चार पांच देशों में मनाई जाती है, म्यांमार में मनाई जाती है, बर्मा में मनाई जाती है और आपके नेपाल में, कई देशों में मनाई जाती है। भारत में तो हमारा इसका बड़ा रंग बिरंगा मस्ती का रूप भी है और आध्यात्मिक रूप भी है। अच्छा, हमारे यहाँ जब बात करते हैं तो कान्हा की होली और आपके जीजा साले की होली, भैया भाभी देवर की होली, अरे क्या क्या होली नहीं है, हमारे यहाँ सभी होली पसंद है। चलिए मैं आपको एक एक सैंपल देता हूँ, आप भी लीजिए किस तरह की होली होती है। कभी कभी तो बड़ी मजेदार बात क्या होती है कि गली में कोई मजनू निकलता है और मजनू निकलता है, कोई कोई तो ऐसे पाए जाते हैं कि किसी एक को ढूंढ रहे होते हैं, उनका उद्देश्य बस किसी एक पे पिचकारी चलाना होता है। पर कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि बड़े सर्वधर्म संभावी होते हैं, कोई दुखी और दर पिचकारी। पर ऐसे मजनू रगीले की होली कैसी होती है उसको भी हम आपको बताएंगे। तो लीजिए एक मजेदार सैंपल आपको दिखाते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि उसकी जीजा साली की होली कैसी होती है। ये दो तीन तरह की होली के हम आपको चित्र बताते हैं। जीजा साली की होली, रात जीजा गए ससुरार, खिसारी में के संग खेलेंगे होली। रात जीजा गए ससुराल, सारे के संग खेलेंगे होली। सारी धरी थी शैतान की अम्मा, सो दूध में नींद की गोली घोरी। सारी धरी थी शैतान की अम्मा, सो दूध में नींद की गोली घोरी। दूध गटक जीजा जू गिरे, घुर के जो श्वान, घुर के जो श्वान गुर्राए सकीरी। काटे के मूछ बना दई पूछ, सो दुर्गति नाना भांति करेरी। काटे के मूछ बना दई पूछ, सो दुर्गति नाना भांति करेरी। बंदर सो लख सब मुस्काए, कि सारी नैन नचाए के बोली। बंदर सोलख सब मुस्काए, सारी नैन नचाए के बोली। बहुत सुंदर। जीजा जू होए सो फेर आइयो खेलन होरी। जब जब इच्छा जीजा जू होए, सो फेर आइयो खेलन होरी। मंच से भी रिस्पांस चाहूंगा मैं, जहां आपको अच्छा लगे वहां आप ताली बजाते, कोई रोक टोक नहीं है, मैं उसकी फीस भी नहीं लूंगा आपसे। अब देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया, मजनू रंगीले की होली निकले हैं साहब पिचकारी लेके बड़े सर्वधर्म संभाव से गलियों में। एक मोहल्ले में आए लला, पिचकारी दई गोरी अन पे छोड़ी। मोहल्ले में आए लला, पिचकारी दई गोरी अन पे छोड़ी। लपक झपक के पड़े पीछे, घबराए घुसी घर में दोई गोरी। ओ लड़की के बाप ने देख लयो, सो मान गरी दोई रापट फोड़ी। लड़की के बाप ने देख लयो, सो बाह गई दोई रापट फोड़ी। नातन भूषण मार लगाए के लगड़ो की ओर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नातन भूषण मार लगाए के लगड़ो की ओर, एक टांग भी टोरी। जान बचाए के भागे लला, जान बचाए के भागे लला। लंगड़ात घरे पहुंचे बरजोरी। क्या बात है। ना होए तो फिर आइयो खेलन होली। अब अपन राधा श्याम की होली पे चलते हैं। एक क्षण उनके नाम, राधा के नाम, ब्रज के नाम, बरसाने के नाम, नंद के नाम, मैं तो हूं ही गोपाल, हूं तो बनता है। राधिका रंगीली आज, राधिका रंगीली आज, ब्रज की छबीली आज।
राधिका रंगी राज ब्रज की छवि ली आज छुपी कहाँ जाए ढूंढ रहे घन श्याम रे राधिका रंगीली आज ब्रज की छवि ली आज छुपी कहाँ जाए ढूंढ रहे घन श्याम रे जैसे बादलों के संग लुका छिपी खेले धूप जैसे बादलों के संग लुका छिपी खेले धूप रूप ये अनूप खोजे ललित ललाम रे चलिए ठीक गोकुल जी बड़ी अच्छी तरीके से और खूबसूरत तरीके से आपने बताया यहाँ पर और समझाया कि आखिर कितने तरीके की और किस तरह की होली होती है। ठीक गोकुल जी बड़ी ही खूबसूरत तरीके से आपने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि होली कितने तरीकों से खेली जाती है। मैं मेघा जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे बोलूंगी कि प्लीज हमारे दर्शकों को जरा कुछ गा के बताइए होली को लेकर, क्योंकि देखिए बहुत सारे गाने होते हैं और तरह तरह के गाने लोगों के बीच में शुमार है, आप भी कुछ यहाँ पर गाकर सुनाइए। मेघा जी मैं आपसे बात कर रही हूँ, गोकुल जी शामरे ऐसे शामरे शर्मा गया सूरज बहुत बढ़िया। अब आपको चलते हैं मेघा जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कुछ फुटकर, ये बसंत का मौसम चल रहा है, बसंत फागुन होली मतलब मस्ती की बयार सब मस्त। बसंत के बारे में एक रचना लीजिए, फूलन में हो सुवास तो समझो बसंत है। गोकुल जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो समझो बिल्कुल फूलों में हो सुवास। अनीता जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? मौका हो अगर खास तो समझो बसंत है, घर में रहे सब प्रेम से। अनीता जी क्या आप मुझे सुन पा रही है? सब प्रेम से आवाज आ रही है, इतना कभी हुई घर में रहे सब। मेघा जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे यहाँ पर कहूंगी कि प्लीज आप भी यहाँ पर गाकर तो समझो बसंत है, घर में रहे सब प्रेम से किच किच न कभू होई मिल बैठे। अनिता जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज आप कुछ गाके सुनाइए। गोकुल जी शायद आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है, मैं आपसे यहाँ पर प्लीज आप के पास मैं लौटूंगी, लेकिन अभी मैं अनिता जी के पास जा रही हूँ। अनिता जी आप कुछ गाकर सुनाइए। अच्छी पैदावार पैसा हो सबके पास तो समझो बसंत है, पैसा हो सबके पास तो समझो बसंत है। बेटा पढ़े स्कूल में, बेटा पढ़े स्कूल में, बिटिया भी तो पढ़े। अनीता जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ जी हाँ जी सुनाई दे रही है। अनीता जी प्लीज कुछ गा के सुनाइए। बिटिया भी तो पढ़े ऐसो रहे प्रयास तो समझो बसंत है, बेटा पढ़े स्कूल में बिटिया भी तो पढ़े ऐसो रहे प्रयास तो समझो बसंत। गोकुल जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जात धर्म नाम पे झगड़े ने कभू हम मन में न हो खटास तो समझो बसंत है, ई जात धर्म नाम पे झगड़े ने कभू हम मन में न हो खटास तो समझो बसंत है। दारू बीड़ी सिगरेट हो जर्दा बुरी लत खो। गोकुल जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बनवास दे दो अगर बनवास तो समझो बसंत है, फूलन में हो सुवास तो समझो बसंत है, मौका हो अगर खास तो समझो बसंत है, घर में रहे सब प्रेम से किच किच न कभू हो। गोकुल जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो समझो बसंत है। अब इसके बाद आपको बहुत अच्छे मुझे लग रहा है हमारी एंकर कुछ कहना चाह रही हैं। सर एक बार उनकी बात सुन लीजिए क्या कह रही हैं वो। बोलिए बोलिए। गोकुल जी मैं लगातार आपसे कई बार बोल चुकी हूँ कि आप जरा थोड़ा रुकिए, हमारे और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी कुछ चाहेंगे सुनने के लिए। आपके पास मैं लौटूंगी, मैं अनीता जी आपके पास आऊंगी। अनीता जी कुछ गा के सुनाइए होली और बाकी मेहमानों से भी सुने, और आप बस हाथ का इशारा कर दिया कर रहे रेज हैंड करके तो मैं रुक। बिल्कुल बिल्कुल जी अनीता जी। अनीता जी सुन पा रही हैं आप मुझे?
हाँ जी हाँ जी मैं सुन पा रही हूँ। हाँ जी अनीता जी, देखिए गोकुल जी ने तो खूब गाकर सुनाया, अब आपकी बारी है, आप कुछ सुनाइए। देखिए होली पर यूं तो कई तरह के गाने होते हैं जो कि बहुत मशहूर भी हैं, लेकिन मैं आपसे चाहूंगी कि आप भी कोई अच्छा सा और पसंदीदा गीत जो आपको होली पर पसंद हो हमारे दर्शकों को जरूर सुनाइए। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज चैनल पर सभी को, पाठकों को, श्रोताओं को, अपने सभी साथियों को मैं होली की शुभकामनाएं देती हूँ, सभी दर्शकों को। और मेरे पास होली का तो कोई गीत नहीं है कि जैसा मेरे को कहा कि श्रृंगार रस पर मैं कोई कविता या प्रकृति पर कविता सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल सुनाइए। होली का श्रृंगार सर्दी में सुबह की अलसाई धूप, सर्दी में ठिठुरती सुबह की अलसाई धूप, घास पर अंगड़ाई लेते हुए अब खिले फूलों से बात करने का बहाना ढूंढ रही है। पेड़ों की टहनियों के बीच से झांकता अलमस्त सूरज सुनहरी तानपुरा ले रागिनी गुनगुना रहा है। क्या बात है। पक्षियों के कोलाहल का नाग यमन घोंसले से बाहर सुनाई दे रहा है। मन की खिड़की के शीशे से छन कर आती मृग छोने सी चंचल यादें सर सराती पुरवा हवा के झोंके की तरह जहन में दौड़ भाग करने लगी। और शब्द है कि पहाड़ी नदी का सा आह्लाद लिए कविता बन बह निकले। आपके सामने एक श्रृंगार रस की कविता सुनाना चाहूंगी। काफी कुछ सामान तुम्हारा अब भी मेरे पास पर, काफी कुछ सामान तुम्हारा अब भी मेरे पास पड़ा है। कुछ गुलाब भेजे थे तुमने, कुछ गुलाब भेजे थे तुमने, अब तक पूरी महक है इनमें। कुछ तस्वीरें, कुछ शरारतें, प्रणय पगी सब नमसी बातें, कुछ तस्वीरें, कुछ शरारतें, प्रणय पगी सब नमसी बातें, छुअन तुम्हारी पास है मेरे बुक्स तुम्हारी, पास है मेरे बुक्स तुम्हारी, एक प्यारा कुरकुरा सा खत जो तुमने मुझको लिख भेजा, कुरकुरा सा खत तुमने जो मुझको लिख भेजा था अपना प्यार जता देने। कितनी बार पढ़ा है मैंने और तुम्हें महसूस किया है, कितनी बार पढ़ा है मैंने और तुम्हें महसूस किया है। काफी कुछ सामान तुम्हारा अब भी मेरे पास पड़ा, मीठी यादें कुछ तहरीरें और तुम्हारी मुक्त हंसी भी सब है मेरे पास। अनीता जी बहुत अच्छी लाइनें आपने सुनाई, और भी मेहमान है, बातें चाहत के बेनोस बुलंदे आंखों में। मेघा जी आप मुझे सुन पा रही है? और प्रेम हमारा रूहानी, काफी कुछ सामान तुम्हारा अब भी मेरे पास। मेघा जी आप मुझे सुन पा रही है? काफी कुछ सामान तुम्हारा अब भी मेरे पास। आप, मैं चाहूंगी कि आप जरा अगर अनीता जी को ये बात बोल दे कि अनीता जी ने बहुत अच्छी लाइन है, अनीता जी आपने सुनाई है, शायद आपने मुझे सुन लिया है। अब मैं मेघा जी के पास आना चाहूंगी। मेघा जी आप होली के गीतों को लेकर मैं चाहूंगी कि कोई गीत जरूर सुनाए, क्योंकि देखिए होली के बहुत सारे गाने बहुत लोगों को पसंद है, कई सारे ऐसे गाने हैं जो कि हमारी जबानों पर रट जाते हैं और कई सालों से चले आ रहे हैं। मैं आपसे यहाँ पर चाहूंगी कि कोई इस तरह का गीत जो कि होली को लेकर, क्योंकि अभी हमने बात करी गोकुल जी से तो उन्होंने होली कैसे मनाई जाती है इस पर गाया, अनीता जी से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि श्रृंगार रस में किस तरीके से हम बयां कर सकते हैं, लेकिन मेघा जी मैं आपसे चाहूंगी कि आप होली को लेकर कोई गीत अच्छा सा जरूर सुना दें हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, सबसे पहले इंडिया टीवी और हमारे सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। और होली की मस्ती और होली के मस्ती भरे माहौल में जोगीरा ना हो तो ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे भांग और रंग के बिना होली। तो आइए मैं देश और दुनिया की तमाम खबरों को जोगीरा के माध्यम से अपने अंदाज में आप तक पहुंचाती हूँ, आप सब भी मस्ती से सुनिए। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश से जोड़ती हूँ, सुनिए और आनंद लीजिए जोगीरा के साथ में। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। योगी जी की बाज में खिला कमल का फूल,
योगी जी के राज में खिला कमल का फूल, गुस्से में अखिलेश है भाभी बोली कूल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और क्या हुआ उत्तर प्रदेश में वो सुनिए। साइकिल पंचर हो गई हाथी फांके धूल, साइकिल पंचर हो गई हाथी फांके धूल, पंजाबी बीएम से पूछे हुई क्या भूल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। तो ये तो थी उत्तर प्रदेश की बात। पंजाब में तो इतिहास रचा गया साहब, वहां तो बिल्कुल वही हाल हुआ है जो दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली जैसे फायदा उठाकर ले जाती है। तो अब जोगीरा से सुनो कि क्या हुआ। हुए कैप्टन मौन है कैसा मचा बवाल, हुए कैप्टन मौन है कैसा मचा बवाल, चन्नी सिद्धू खास रहे हंसे केजरीवाल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। मेघा जी देखिए समय बहुत कम है, गणेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। तो उम्मीद होती है जी, मेघा जी समय बहुत कम बचा है मेरे पास, आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत खूबसूरत। गणेश जी मैं आपसे चाहूंगी कि आप भी प्लीज दो लाइनें जरूर गा के सुना दें हमारे दर्शकों को। गणेश जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी गणेश जी। सभी के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली पर एक व्यंग सुनाना चाहता हूं। जी स्वागत है। आपका शराब पीकर पति महोदय ने धर्म पत्नी को पीटा, बालों को पकड़ सड़क तक घसीटा, देखते ही बेचारे पड़ोसी आने लगे, एक एक करके शराब की खराबी बताने लगे, मगर शराब सारी शराब के बड़बड़ा रहा था, उसे हर आदमी हैवान नजर आ रहा। इतने में शराबी बेहोश हो गया, अपने सपनों की दुनिया में खो गया, देखते ही पत्नी चीखी चिल्लाई, फौरन डॉक्टर महोदय को ले आई। डॉक्टर महोदय से जब ना रहा, नब्ज पकड़ते ही बड़ी गंभीरता से कहा, मैडम इनको पीने की लत पड़ गई, पेशेंट की गर्दन डोज कम होने के बाद। ठीक गणेश जी देखिए समय हमारे पास बहुत कम है, समाप्ति की ओर है, मैं माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए, लेकिन बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।